ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो बेहद दर्दनाक है, एक ऐसी खबर जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। कलवा घोलाई नगर में एक ऐसी घटना सामने आई है जो बेटे और ससुर ने बहू के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। जी हाँ, कलवा घोलाई नगर में रहने वाले बबलू वीरेंद्र सिंह और उसके पिता रविंद्र सिंह ने अपनी बहू पूनम को इसलिए आग लगा दी कि पूनम ने घर में शराब पीने से मना किया था। पूनम ने इसलिए मना किया कि घर में 3 साल की मासूम बच्ची थी। उस 3 साल की बच्ची पर बुरा असर पड़ेगा, बस पिता और पुत्र को नागवार गुजरी ये बात और उन्होंने पूनम के साथ मारपीट की। मगर जब मारपीट से दिल नहीं भरा तो घर में रखे स्टोव से पूनम के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों ने किसी तरह से आग बुझाई और थाने के सिविल अस्पताल ले गए, मगर बबलू ने सिविल से निकाल कर सावरकर नगर साईं धाम अस्पताल में भर्ती किया। पूनम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली है। सूचना मिलते ही पूनम के पिता भी मुंबई पहुंच गए। मेरे आदमी को बुलाया, इसके बाद मेरा ससुर मुझे मारा। मेरा आदमी कुछ नहीं बोल रहा था, वो फिर दारू मस्त था। मारने के बाद ससुर ने चाकू उठाया, मुझे बहुत सफरा गुड्डा ने मारा, और नहीं मारा उससे भुगा ले दिया गुड्डा हुआ तो मुझे चाकू उठाया मुझे, तब मैं ऐसा अपना हाल कर दिया। मर जाएगी कुछ नहीं कर सकते, अंदर गया। पूनम ने अपने पति और ससुर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया है, मगर अफसोस, पूनम ने सोमवार को 3 बजे के आसपास अपने 3 साल की मासूम बच्ची को इस दुनिया में छोड़कर चली गई। ये घटना 31 तारीख को हुई थी, मगर 3 जून को आखिर पूनम ने दम तोड़ दिया। इस मामले की जो जानकारी अभी तक हमें मिली है, अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।